आज हम सीखेंगे अदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मीथेन एंड इथेन के बारे में और कौन कौन से तरीके हैं इससे हम मीथेन एंड इथेन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले है आयडोमीथेन और ब्रोमोइथेन। ब्रोमोइथेन या आयडोमीथेन से हम लोग जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं मीथेन एंड इथेन का। उसमें होता क्या है, बेसिकली इनको हम रिड्यूस करते हैं बाय यूजिंग नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन से हम इनको रिड्यूस करेंगे तो इसमें मीथेन एंड इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो है आइडोमिथेन, इसका रिडक्शन हम करेंगे जो है नेसेंट हाइड्रोजन के साथ, तो मिथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिमिलरली ब्रोमोइथेन का रिएक्शन करवाएंगे जो है नेसेंट हाइड्रोजन के साथ, तो फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा इथेन का एंड HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा। अगर हम बात करें कि नेसेंट हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो उसका फॉर्मेशन होता है जब हम जिंक डस्ट का रिएक्शन डायल्यूट HCl से कराते हैं। तो नेक्स्ट तरीका है अल्मोनियम कार्बाइड से। अल्मोनियम कार्बाइड में हम जब वाटर को ऐड कर देते हैं रूम टेम्परेचर पर, तो वहां पर मीथेन गैस का फॉर्मेशन होता है। यह रिएक्शन कुछ इस तरीके का होता है, Al4C3 यानी कि अल्मोनियम कार्बाइड, उसका रिएक्शन हम वाटर के साथ होता है तो यहाँ पर मीथेन गैस का फॉर्मेशन होता है एंड अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है जो ऐसा प्रेसिपिटेट नीचे चला जाता है। नेक्स्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट है होता है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन से जो होता है इथेन का फॉर्मेशन होता है। पहले रिएक्शन को समझते हैं। रिएक्शन में होता क्या है कि यहाँ पर जो है आइडोमिथेन है, दो मॉलिक्यूल ले लिए और उसका रिएक्शन जो है दो सोडियम मॉलिक्यूल से कराया ड्राई ईथर मीडियम के प्रेजेंस में, तो होगा क्या कि यहाँ पर CH3 जुड़ जाएंगे यानी कि इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड 2Na का NaI का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रिएक्शन पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे जो फॉर्मेशन होता है इससे हम मीथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ओवरऑल जितने भी आपके जो ऑड नंबर कार्बन कंटेनिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अल्केन्स होते हैं, उनका फॉर्मेशन इस रिएक्शन के थ्रू नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर रहता है उसका दोगुना हो जाता है। तो इवन नंबर वाले फॉर्म होते हैं, ऑड नंबर वाले फॉर्म नहीं होते। इसी वजह से यहाँ पर हमें मीथेन का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता, इथेन का फॉर्मेशन आसानी से हो जाता है। हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, मीथेन एंड इथेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मीथेन की। मीथेन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है इट इज कलरलेस एंड ओडरलेस गैस। ये कलरलेस एंड जो है ओडरलेस गैस होती है। सेकेंड है इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज -183°C एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज -162°C। मेल्टिंग पॉइंट -183 है एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है -162 है। इट इज नेग्लिजिबली सॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये जो है वाटर के अंदर जो है सॉल्वेंट नहीं होती है एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर जो होती है वो सॉल्युबल होती है। इथेन की बात करते हैं। हम इथेन की बात करेंगे तो इट इज कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन पॉइजनस गैस। ये भी जो है कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस गैस होती है। ये नॉन पॉइजनस होती है नेचर में। सेकेंड पॉइंट है इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज -89°C एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज -172°C। बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इसका -89°C हो जाएगा एंड मेल्टिंग पॉइंट इसका जो है -172°C हो जाएगा। इट इज फ्रेंकली सॉल्युबल इन वाटर बट होली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एल्कोहल, एसीटोन, ईथर। अगर वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये स्प्रेंगली सॉल्युबल होता है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है। एग्जाम्पल है यहाँ पर जैसे कि एल्कोहल्स में, एसीटोन्स में एंड ईथर में। तो ये हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन एंड इथेन। अब हम सीखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन एंड इथेन देखेंगे। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले है रिएक्शन विथ हैलोजन्स, हैलोजन के साथ रिएक्शन करना। हैलोजन्स की बात करें तो हैलोजन जो होते हैं वो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं। होता क्या है कि यहाँ पर आपका जैसे कि रिएक्शन दिया हुआ है CH4Cl2 के साथ रिएक्शन कर यानी कि हैलोजन के साथ रिएक्शन कर रिस्पेक्टिवली मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, HCl का फॉर्मेशन करता है। ये रिएक्शन आपका डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंट में होता है या फिर 600 Kelvin टेम्परेचर के प्रेजेंट में होता है। होता क्या इस रिएक्शन में, इसके रिएक्शन मैकेनिज्म को अगर हम देखेंगे तो ये आपका जो है मीथेन का स्ट्रक्चर है एंड ये आपका क्लोरीन का स्ट्रक्चर है। होगा क्या कि क्लोरीन जो होगा यहां से अपना बॉन्ड जो है वो तोड़ देगा सनलाइट के प्रेजेंस में एंड फिर वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुल यहां जम जाएगा एंड उस हाइड्रोजन जो रहेगा वो दूसरे वाले क्लोरीन के साथ जुड़ के इस तरीके से HCl का फॉर्मेशन करेगा। ये रिएक्शन जो होता है वो आपका जो है सिमिलर वे में जो है इथेन में भी अकर करता है।
होता क्या है, जितने ज्यादा बार हम जो है क्लोरीन से या फिर ब्रोमीन या आयोडीन से रिएक्शन करवाएंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिमूव होते जाएंगे एंड उनकी जगह पर जो है रिस्पेक्टिव हैलोजन जो है फिट होता चला जाएगा। जैसे कि यहां पर दूसरे क्लोरीन से करवाएंगे तो CH2Cl2 बन जाएगा, सिमिलरली फिर CHCl3 बन जाएगा एंड फिर CCl3 बन जाएगा। सिमिलरली इस टाइप से ये बढ़ जाएगा, ये रिएक्शन आपका रिस्पेक्टिवली आगे बढ़ेगा ब्रोमीन आयोडीन के लिए भी। अगला है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन को अगर हम देखेंगे तो होता क्या है कि आपके अल्केन जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पर भी बिल्कुल सेम वे में होगा, CH4 रिएक्ट करेगा O2 के साथ तो यहां पर CO2 का फॉर्मेशन होगा एंड जो है 2H2O का फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली C2H6 यानी कि आपका इथेन रिएक्ट करेगा अगर ऑक्सीजन के साथ तो CO2 का फॉर्मेशन होगा एंड C6H2O का फॉर्मेशन होगा। अगर इस ऑक्सीजन के अमाउंट को हम यहाँ पर काफी कम कर देंगे तो होगा क्या, कंट्रोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह जो है कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होने लगेगा एंड और भी जो है कम कर देंगे तो यहाँ पर कार्बन का फॉर्मेशन होने लगेगा जिसको हम सूट के नाम से जानते हैं। वो जो सूट होगा उसका इस्तेमाल जो है इंक्स बनाने में या फिर जो है आपकी जो टायर्स बनाने में उनके मैन्युफैक्चर में भी किया जाता है। अगर इसी ऑक्सीजन का रिएक्शन कंट्रोल वे में कराया जाएगा तो CH4 का यूज करते हुए यहाँ पर ये मीथेन है तो मिथेनॉल का फॉर्मेशन भी कराया जाता है एंड यहाँ पर ये इथेन है तो इथेनॉल का फॉर्मेशन भी कराया जाता है। अगला है डिकम्पोजिशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स का डिकम्पोजिशन, अगर अल्केन्स के डिकम्पोजिशन की बात करेंगे तो अल्केन का जो डिकम्पोजिशन होता है उसको हम क्रैकिंग के नाम से भी जानते हैं या फिर पायरोलिसिस के नाम से भी जानते हैं। इसमें होता क्या है, बेसिकली हीट सप्लाई करके जो है अल्केन्स को तोड़ दिया जाता है। तो यहां पर हम जो है बात करते हैं सबसे पहले मीथेन की। मीथेन को अगर हम हीट कर देंगे बहुत ज्यादा 1500 डिग्री सेल्सियस पर तो क्या हो जाएगा, वो यहां पर जो है इथाइन का फॉर्मेशन करेगा एंड H2 को यहां पर रिलीज कर देगा। अगर हम जो है इथेन का रिएक्शन करवाएंगे 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर Al2O3 के प्रेजेंस में तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये इथीन का फॉर्मेशन करेगा एंड हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। और बड़े बड़े अल्केन्स जो होते हैं अगर उनको अगर हम हीट करके उनको तोड़ने के जाएंगे तो वो छोटे छोटे अल्केन्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये ऑलरेडी छोटे हाले हैं इससे इनका बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा एंड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड में ये टूट जाएंगे। अब हम सीखेंगे यूजेस के बारे में, यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन। तो सबसे पहले बात करते हैं मीथेन की। मीथेन की बात करें तो मीथेन इज अ सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। मीथेन से हम जो है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं। एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक फ्यूल, डोमेस्टिक फ्यूल्स में भी जो है मीथेन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो है इस्तेमाल जो है कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी किया जाता है, जैसे कि इथाइन, मिथेनल, मिथेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो होता है उसका इस्तेमाल पहले जो होता था एज एन एनेस्थीसिया भी किया जाता था लोगों को बेहोश करने में, लेकिन इसके जो है पॉइजनस इफेक्ट होते थे, अगर इसका डोज ज्यादा हो जाए तो लोग मर भी जाते थे। इसलिए आजकल जो है इसकी जगह हेलोथेन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इथेन का यूज। इथेन की अगर हम बात करेंगे तो इथीन, इथेनॉल एंड जो है इथेनोइक एसिड, इथीन का जो है आपका इथेन का इस्तेमाल इन कंपाउंड्स के मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। इथीन के मैन्युफैक्चरिंग में, इथेनोइक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग में, जिसे इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं एंड इथेनॉल के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है इथेन इज ऑल्सो अ गुड फ्यूल। इथेन का इस्तेमाल भी एज अ फ्यूल किया जाता है। नेक्स्ट है इथाइल क्लोराइड इज यूज्ड अ लॉट इन ड्राई क्लीनिंग। इसका इस्तेमाल जो है इथाइल क्लोराइड के फॉर्मेशन में किया जाता है, वही इथाइल क्लोराइड जो आपके ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है।